साइंस जमात नहूं, सबक 8, फ़ायदेमंद और नुकसानदेह खुदबीनी जानदार। इस सबक में फ़ायदेमंद खुदबीनी जानदार और नुकसानदेह खुदबीनी जानदार के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़िदे हयातिया, एंटीबायोटिक्स। खुदबीनी जानदारों का खात्मा और उनकी नशोनुमा जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात ज़िदे हयातिया कहलाते हैं। 20वीं सदी में ज़िदे हयातिया की वजह से इलाज मुआलजे में इनकलाब आया। चंद ममालिक से तो तपेदिक यानी टीबी मर्ज तकरीबन ख़त्म हो गया है। ज़िदे हयातिया ख़ास तौर पर जरासीम के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। कुछ ज़िदे हयातिया प्रोटोजोआ को हलाक कर सकते हैं। कुछ ज़िदे हयातिया कई किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ मुफीद साबित होते हैं। उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िदे हयातिया कहते हैं। मसलन एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होने के बावजूद मर्ज़ के जरासीम नहीं मिलते तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िदे हयातिया का इस्तेमाल किया जाता है। जब मर्ज़ की वजह का सबब बनने वाला खुर्दबीनी जानदार यकीनी तौर पर समझ में आए तब नैरो स्पेक्ट्रम ज़िदे हयातिया का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन पेनिसिलिन, सेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। इदारों के काम। पुणे में 1952 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का क़याम अमल में आया। ये इदारा आलमी सेहत की तंजीम यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बुखार, खसरा, यरकान और फेफड़ों के अमराज पर तहकीक कर रहा है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नामी फफूंद से हासिल होने का ज़िदे हयातिया का गिरोह है। इसका इस्तेमाल स्टेफालोकोकाई, क्लॉस्ट्रेडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई जरासीम के ज़रिए होने वाले मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने के लिए होता है। कान, नाक, हलक, जिल्द और इन जरासीम से होने वाले अमराज इस तरह नमूनिया, तपे सुर्ख, स्कॉलेट फीवर के इलाज के लिए पेनिसिलिन मिली हुई दवाएं कारगर साबित होती हैं। होशियार होशियार, ज़िदे हयातिया इस्तेमाल करते वक्त हमें कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। नंबर एक, ज़िदे हयातिया हमेशा डॉक्टरों की सलाह पर लीजिए। 2, दवा की दुकान से बगैर डॉक्टर की चिट्ठी के कोई भी ज़िदे हयातिया न मांगे। 3, अगर हलक का दर्द, सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा में मुब्तला हो तो अपनी मर्ज़ी से कोई ज़िदे हयातिया न लीजिए। 4, खुराक के मुकम्मल होने से कबल ही अगर तबीयत ठीक हो जाए तब भी तजवीज़ शुदा खुराक मुकम्मल कीजिए। 5, आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले ज़िदे हयातिया की सिफारिश दूसरों से मत कीजिए। साइंसदानों का तारुफ। सेंट मेरीज़ अस्पताल में खुदबीनी हयातियात के प्रोफेसर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी तजर्बागाह में कांच की तश्तरियों में अलग अलग किस्मों के खुदबीनी जानदारों और फफूंद की अफजाइश की थी। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, एक जरासीम है। जब 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग अपने तजर्बागाह में खुदबीनी जानदारों और फफूंद का मुशाहदा कर रहे थे तब एक तश्तरी में उन्हें अजीब चीज़ नज़र आई। इस तश्तरी में फफूंद के नुक्ते बढ़े हुए थे लेकिन उन नुक्तों के इर्द गिर्द बिल्कुल साफ
हो गई थी, यानी खुदबीनी जानदार मुकम्मल तौर से ख़त्म हो गए थे। ये फफूद जानदार पेंसिलिन था। इससे खारिज होने वाले अफराज से खुदबीनी जानदार ख़त्म हो गए थे। इस बात को उन्होंने बहुत से तजर्बात करने के बाद साबित किया। इस तरह हादसाती तौर पर दुनिया का पहला ज़िद हयातिया यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दरियाफ्त हुआ। उसके ज़रिए मुख्तलिफ लाइलाज बीमारियों पर काबू पाने का बुनियादी काम हुआ। हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़िद हयातिया की दरियाफ्त करने वाला मुहक्किक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमेशा हम पर एहसान रहेगा। क्या आप जानते हैं चींटियां अपने घरों में फफूद की नशोनुमा करके उससे ग़िज़ा हासिल करती हैं। बाज़ किस्म के भौरे और कीड़े दरख्त के तने पर उगने वाली फफूद पर अंडे देकर लार्वों की ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं।